के संविधान में भारत के बहुजन समाज के लोगों के लिए बराबर की भागीदारी दी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बनाए गए भारतीय संविधान और आरक्षण आज समाप्त होता जा रहा है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत का संविधान, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में भारत के संविधान को सौंपा था और ठीक 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ। हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू हुआ। साथियों, 26 नवंबर 1949 का हमारा पर्व दिवस है। आज 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का पर्व दिवस मनाया जाना था। मैं तो कहना चाहती हूँ कि भारत के सभी बहुजन समाज ही नहीं, चाहे वो जिस जाति के हो, चाहे वो जिस धर्म के हो, चाहे वो जिस संप्रदाय के लोग हो, भारत देश संविधान से चलता है। इसलिए पूरे भारतवासियों को संविधान दिवस खुशी के दिवस के रूप में मनाना चाहिए, पर्व दिवस के रूप में मनाना चाहिए। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत में दिवाली की छुट्टी, दशहरा की छुट्टी, ईद की छुट्टी तो होती है, लेकिन संविधान दिवस की छुट्टी आज तक भारत की सरकार ने नहीं किया। हमारा देश अगर चल रहा है तो भारत के संविधान से चल रहा है। हमारे भारत के संविधान पर्व दिवस के रूप में राष्ट्रीय छुट्टी सरकार को घोषित करना चाहिए। ये मैं आज 26 नवंबर को मैं मांग करती हूँ संविधान दिवस के अवसर पर। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक में सबको बराबरी का अधिकार दिया। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर भारत का संविधान दिया। लेकिन 26 जनवरी 1949 से आज तक वही लोग पहुंचते रहे जो भारत के संविधान को देखना नहीं चाहते, भारत के संविधान में दिए गए कानून को लागू नहीं करना चाहते, जिसके कारण आज भी भारत में गैर बराबरी बनी हुई है, ऊंच नीच बना हुआ है, छुआछूत बना हुआ है। आज भारत में जघन्य अपराध हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भारत की जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। साथियों, अभी तो भारत का संविधान लागू नहीं हुआ है और इसके पहले ही भारत के संविधान में दिए गए कानून को आज की सरकार, आरएसएस की सरकार समाप्त करती जा रही है। साथियों, 2014 में जब मैं सांसद बन करके मैं लोकसभा में पहुंची, कुछ दिन तो मुझे लगा समझने में। जब मैं समझ पाई तो मुझे लगा कि बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार भारतीय संविधान को खत्म कर रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अब लोकसभा में जब उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया था, सेंट्रल हॉल में जब उन्होंने भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले की मानसिकता साफ नहीं होगी तो संविधान धारा की धारा ही रह जाएगा। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो उस समय उन्होंने कहा था, आज वो आपके सामने दिखाई दे रहा है, आज वो साक्ष पेश हो गया है कि यह सरकार भारत के संविधान को देखना नहीं चाहती, भारत के संविधान में दिए गए कानून को खत्म करना चाहती। साथियों, जब मैं लोकसभा में, मुझे लगा कि हमारा संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, हमारी आजादी खत्म हो रही है, तो लोकसभा से लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक मैं संविधान को लागू कराने के लिए, बहुजन समाज को आजाद कराने के लिए, बहुजन समाज को अधिकार के लिए लड़ने के लिए मैंने निरंतर आंदोलन की शुरुआत
बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करके भारत के संविधान को बचाने के लिए विकल्प के रूप में मैंने उत्तर प्रदेश में मैंने कार्य करने का काम किया था। साथियों, मैं आज जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं अपने संगठन के लोगों का, सादाब भाई का, सरनिया साहब का, सैनी साहब का और तमाम हमारे इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में संगठन के लोग आए हुए हैं। ये बैठक हो रही थी 26 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली होने जा रही थी, लेकिन चुनाव को देखते हुए, दिल्ली का चुनाव, गुजरात का चुनाव, कई प्रदेशों का चुनाव हो रहे थे, जिसको लेकर के हम लोगों ने इसका डेट आगे बढ़ाया है। और आज के दिन एक कार्यक्रम हो रहा था कि 26 नवंबर को नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोगों ने जोर देकर के कहा कि हम अगर सांसद है, विधायक बने हैं, जिला पंचायत सदस्य बने हैं, हमारा बहुजन समाज पंच से लेकर प्रधानमंत्री के कुर्सी पर आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखपाल, सिपाही, दरोगा, जो भी पदों पर हमारा बहुजन समाज को पहुंचने का मौका मिला है तो भारत के संविधान से मिला है। इसलिए संविधान अगर रामलीला ग्राउंड में हम नहीं कर पा रहे हैं तो जंतर मंतर पर हम बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर के तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के माध्यम से सरकार की कान खोलना चाहते हैं कि सरकार जो आज सरकार की बैरी हो गई है उनको सुनाई नहीं पड़ता है। आज जो केंद्र सरकार को जो सुनाई नहीं पड़ रहा है, उनको भी पता नहीं है कि हमारा भारत का बहुजन समाज जिस दिन जागेगा, अंगड़ाई लेगा, उस दिन पूरा भारत बहुचाम हो जाएगा और संविधान को लागू कराने के लिए, आरक्षण को लागू कराने के लिए, अपनी आजादी को पाने के लिए पूरा भारत में बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। साथियों, बहुजन समाज के लोग जगह जगह कार्यक्रम करके सामाजिक संगठन के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं दुकान चला रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ साथियों कि ये बहुजन समाज के लोग सामाजिक संगठन बना करके भारत इतना बड़ा देश है कि पूरे भारत में एक अकेला आदमी बहुजन समाज को जगा नहीं पाएगा। इसलिए बाबा साहब का अनुयायी बन करके, बाबा साहब का सिपाही बन करके, संगठन बना करके और पूरे भारत में बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहा है। साथियों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको सलूट करती हूँ, अपने सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन वालों को मैं अपील करती हूँ कि सारा बहुजन समाज के लोग अब एक मंच पर संविधान को बचाने के लिए अपना ईगो खत्म करें, अपना घमंड खत्म करें और सब लोग एकजुट होकर के संविधान को बचाने के लिए एक मंच पर आए। साथियों, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं 2014 में जब मैं सांसद बन करके लोकसभा में पहुंची, मुझे लगा कि हमारा संविधान, हमारा अधिकार, हमारा आरक्षण खतरे में है, तो मैं लोकसभा के अंदर अकेले ही संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, बहुजन समाज को गुलाम होने से बचाने के लिए सदन में मैंने आवाज को बुलंद किया, आवाज को उठाया। उस समय लोकसभा में तमाम हमारे पिछड़े जाति के सांसद थे, अनुसूचित जाति के सांसद थे, जनजाति के सांसद थे। अगर मेरे साथ, अगर सारे लोग, सारे सांसद, हमारा बहुजन समाज के सांसद एक मंच पर खड़े हो गए होते तो सरकार गिर गई होती और संविधान को हम लागू करा दिए होते। लेकिन लोगों ने हमारे, जब लोकसभा में हमारी बातों को अनसुनी किया, सरकार ने हमारी बातों को अनसुनी किया, तो हमें सरकार उनको जब मेरी बातों को अनसुनी किया तो मैंने बीजेपी को भी मैंने पार्टी छोड़ दिया, सांसद पद छोड़ करके सदन से लेकर के पूरे भारत में मैं बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम किया। साथियों, जागो साथी, जागो। अगर बहुजन समाज के साथी अगर नहीं जागेंगे तो 2024 के बाद हमारा संविधान, हमारा अधिकार, हमारी आजादी खत्म हो जाएगी। अगर चाहते हो अपनी सुरक्षा, अगर चाहते हो अधिकार, अगर चाहते हो सम्मान, अगर
सभी बहुजन समाज के लोग एक मंच पर आ जाओ, एक मंच पर आ जाओ। मैं आज संविधान दिवस के अवसर पर, संविधान दिवस के पर्व दिवस पर, मैं पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ, आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि देश में आंदोलन को चलाने के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आप सब लोग एकजुट हो। बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने अपना घर भी छोड़ा है, मैंने अपना परिवार भी छोड़ा है, मैंने बीजेपी जैसे पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ा है, मैंने सांसद पद छोड़ करके पूरे भारत में बहुजन समाज को मैं जगाने का काम कर रही हूँ। मैंने तय किया है कि ना मेरे पास कुछ था, ना मेरे पास कुछ है, ना मेरे पास कुछ रहेगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगी भारत के बहुजन समाज के लिए मैं संघर्ष करती रहूंगी। बहुजन समाज के संघर्ष के लिए मैं आप सभी पूरे भारतवासी बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इस आंदोलन को चलाने के लिए मात्र एक रुपया मुझे दीजिए, मात्र एक रुपया मुझे दीजिए, मुझे एक रुपया मुझे दीजिए, मुझे मात्र एक रुपया चाहिए। मैं अपने पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से मात्र एक रुपया इस आंदोलन को चलाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए, बहुजन समाज का आंदोलन को चलाने के लिए मैं आप लोगों से समर्थन चाहती हूँ। क्या आप लोग हमारे मांग को समर्थन करेंगे? आप लोग क्या आप लोग समर्थन करेंगे? आप लोग समर्थन करेंगे? आप सबका मैं बहुत बहुत आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ। साथियों, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपील करूंगी कि 2024 हमारे लिए बहुत कम समय बचा है। इस कम समय में मैं अपील करूंगी अपने मंच पर तमाम हमारे सांसद, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, तमाम संगठन के लोग और तमाम संगठन के लोग आज इस कार्यक्रम में आए हैं। हम अपने मीडिया भाइयों से भी मैं अपील करूंगी कि जो मैं बोल रही हूँ इस चैनल के माध्यम से आप लोग समाज को बताने का काम करें, जगाने का काम करें कि हमारा भारत का संविधान खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी बहुजन समाज के लोग एक मंच पर आकर के 2024 में या तो विकल्प बने, और अगर विकल्प नहीं बन पा रहे हैं तो विकल्प के साथ खड़े हों, ये मैं आप लोगों से अपील करूंगी, ये मैं आप लोगों से अपील करूंगी। और यदि अपना ईगो खत्म नहीं किए तो खत्म हो जाएंगे, हमारा बहुजन समाज खत्म हो जाएगा। एक अकेला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पूरे भारत के करोड़ों करोड़ों बहुजन समाज के लोगों को आजादी दिए, अधिकार दिए, नौकरी दिए, बराबर का हक दिए। आज करोड़ों लोग मिलकर के बहुजन समाज के लोग भारत के संविधान को बचाने के लिए अगर एकजुट नहीं हुए तो हमारा बहुत कुछ नुकसान हो चुका है। इसलिए साथियों, जागो साथियों, जागो। मैं अपील करूंगी कि अपने संगठन, जो संगठन के तरफ से आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम जो मंच पर झंडा बैनर लगा हुआ है, ये कोई पार्टी नहीं है। लोग समझते होंगे कि ये पार्टी का कार्यक्रम है, ये पार्टी नहीं है, एक संगठन बनाया गया है, उसमें तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक दल के लोग एक साथ मंच पर आज कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। यहाँ पर जो झंडा लेकर के आए हैं, ये कहा गया था कि कोई भी पार्टी का बैनर मंच पर नहीं लगेगा। जिसको समर्थन करना है, जो राजनीतिक दल के हमारे साथी हैं, जो संविधान दिवस मनाने के लिए आए हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ, वो अपना झंडा, अपना बैनर अपने साथ लाएंगे। लेकिन जो कार्यक्रम होगा वो संविधान दिवस का कार्यक्रम बिना झंडे के नीचे होगा, और वो संविधान दिवस का झंडा होगा, वो संविधान पर्व का हमारा झंडा है, वो राष्ट्रीय झंडा है, वो लगा हुआ है, वो राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का झंडा लगा हुआ है। हम बाबा साहब के अनुयायी है, और बाबा साहब के अनुयायी बन करके हम बहुजन समाज के लोग ये जो संगठन का नाम रखा गया है, इस संगठन के माध्यम से हम लोगों ने जो एक तय किया है कि बड़ी वफादारी, बड़ी ईमानदारी, बड़ी लगन और त्याग के साथ हम सभी लोग बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे, और 2026 नवंबर 2023 को दिल
श्री के रामलीला ग्राउंड में पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को हम लोग एकजुट करेंगे, पूरे भारत के लोगों को हम लोग एकजुट करेंगे। और उसी मंच से ऐलान किया जाएगा कि अब सत्ता को, संविधान विरोधी सरकार को रोकने के लिए उस दिन सारे नेता हमारे मंच पर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा शेर न ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि जज व सौ के शहादत को क्या पूछिए, अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिए। इन्हीं शब्दों के साथ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ भी नहीं हुआ तो संभल जाइए, घर बना करके जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया, आज वो पैमान कहता है घर से निकल जाइए। और बाबा साहब का ये दिया हुआ संविधान को बचाने के लिए मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करूंगी ये एक मंच पर आए और संविधान को संपूर्ण रूप से लागू करें, कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ संविधान दिवस जिंदाबाद।